बिलासपुर के मनोकर में सरस्वती विद्या मंदिर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने दीप प्रज्वलित करके की तथा बच्चों द्वारा मातृवंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किए गए। बिलासपुर के मलोखर में सरस्वती विद्या मंदिर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश चोनी ने दीप प्रज्वलित करके की तथा बच्चों द्वारा मातृवंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किए गए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम भी पेश किए गए तथा बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी प्रकाश डाला और लोगों को बेटी के प्रति बच्चों ने जागरूक किया। मुख्य अतिथि के द्वारा खेलों में पहला दूसरा तीसरा स्थान पाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया तथा उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। उन्होंने बच्चों को बताया कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए। आज जो इस विद्यालय में मलोखर का जो विद्यालय है सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा संचालित, इसमें मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने देखा कि बच्चों से बहुत अच्छी तैयारियां यहां पर करवाई गई हैं और विद्यालय पढ़ने के क्षेत्र के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में योग के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं, इनकी प्रशंसा करता हूं। बच्चों का भविष्य निर्माण हो और व्यक्ति निर्माण की आज की जो समस्या है उससे पूरा भारतवर्ष जूझ रहा है वो ठीक से हो सके, यही अपेक्षा हमारी है। विद्यार्थियों का जो भविष्य निर्माण करने के लिए शिक्षक अपना योगदान ठीक प्रकार से दे, समाज में दे, यही अपेक्षा है और इस अपेक्षा को शायद ये जो विद्यालय है वो पूरा कर रहा है। इसके लिए हमको कार्यक्रम में वक्त चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।